हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंटा गेमिंग पर। तो गाइस, जैसे कि आपने हमारे फोर्ज हॉराइजन 4 के लास्ट गेम प्ले में देखा था, हमें गाइस स्टंट ड्राइवर की जॉब मिली थी और उसमें हमने लैम्बोर्गिनी से अपना फर्स्ट मिशन किया था। उसके बाद वाला गेम प्ले है गाइस, और इस गेम प्ले में गाइस हमें एक न्यू मिशन करने को मिला है फोर्ज हॉराइजन 4 में। तो चलो गाइस, देखते हैं कौन सा मिशन आया है। 30 है गाइस इसमें टोटल मिशंस, देखते हैं कौन सा मिशन है। चलो गाइस चलते हैं। हमारी लोकेशन 3.9 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर अपने घर से। चलो फटाफट पहुंच जाते हैं। और गाइज आज हम लोग अपनी कॉनिक जैक लेके जा रहे हैं यार, मस्त लग रही है गाइज यही गाड़ी भी ना। इसका पिकअप बहुत तगड़ा हो गया, लेकिन इसकी आपको याद होगा हमने अपग्रेड किया था, इसको ट्यून किया था ना, उसके बाद से इसकी जो क्या कहते हैं टॉप स्पीड कम हो गई थी, लेकिन इसकी एक्सलेशन इतना फास्ट हो गया था यार, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी तेज एक्सलेट करती है ये। ये देखो गाइस 239 पहुंच चुके हैं इतनी जल्दी। एक बार एक्सलेटर पैर रखो तभी बच जाती है यार भाई साहब। चलो गाइस ज़्यादा दूर नहीं, अपने डेस्टिनेशन फटाफट पहुंच जाते हैं। और गाइस उस टाइम पे अपग्रेड करने के टाइम हमने ना इसको ऑल व्हील ड्राइव ही बना दिया था, उसके बाद से इसकी हैंडलिंग काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है गाइस भाई साहब, सही चल रही है यार। अरे ऑफ रोडिंग कराएंगे यार इस गाड़ी से, बता स्पोर्ट्स कार से ऑफ रोडिंग यार, अच्छा रूट दे देते कोई हमें, कहाँ ऑफ रोडिंग करा के। ये किसने ठोकर रखी है गाड़ी अपनी भाई, कहाँ खड़ी कर रखी है, ये बात तो नहीं रहा कभी लेक के किनारे। चलो भाई साहब पहुँचने वाले गाइस हम लोग, 500-400 मीटर ही बचा है बस। ऑफ रोडिंग क्यों लग रही है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ऑफ रोडिंग हो इस मैं एक्सेस मतलब इस जो मिशन के अंदर आपने। ओके लरासस होजन, देखते हैं गाइस क्या मिशन है अपना नेक्स्ट चैप्टर। ओके तो ऑफ रोडिंग रेसिस है गाइस ये, इसमें भी बग्गी मिली हमें एक। ये बग्गी यार ऐसी नहीं है जैसे GTA 5 में आती है बग्गी अपने पास, जो फेस टू फेस रेसिस करते हैं उसमें एक बग्गी आती है ना, वो वाली नहीं जो गाड़ी कुछ हाल देती है, एक और दूसरी बग्गी आती है उस टाइप की बग्गी है थोड़ी। तो गाइस स्ट्रेंथ देखो कितनी देर रखी है इसको, इसका स्ट्रक्चर कितना तगड़ा है। रेस टू द डेस्टिनेशन, अच्छा ऑफ रोडिंग पूरी ऑफ रोडिंग कराएंगे, सब कुछ छुड़वाएंगे वैसे। ओके गाइस तो 1 मिनट 15 सेकंड में हमें पहुँचना है भाई साहब, ये बग्गी कैसे चल रही है। चलो पहुँचा तो देंगे। अरे यार एक बार रिवाइंड किया, ये गाड़ी ना ज़्यादा घूम गई, बग्गी ने स्किड हो गई वहाँ पे रोड पे जाके, बारिश हो रही है ना इसलिए। चलो भाई साहब ड्रिफ्ट के पॉइंट्स भी मिल रहे हैं हमें, लेकिन ड्रिफ्ट मारने का कोई फायदा नहीं है, ऑफ रोडिंग रेस है ना यार। इसका रूट भी एक तो ऐसा है ना, ये पूरा बिल्कुल बग्गी इधर उधर घूमने जा रही है यार, ज़्यादा वो कर रही है, इसका कंट्रोलिंग अच्छी नहीं यार बग्गी की बिल्कुल भी, देखियो इधर उधर ज़्यादा मूव कर रही है यार, ऐसा तो हम पीछे रह जाएंगे, 3 साल नहीं मिल पाएंगे हमें, भगानी पड़ेगी बग्गी को। स्ट्रेट रोड है गाइस अभी ना, इसको भाग के रखना पड़ेगा बिल्कुल। 800 मीटर बची है गाइस, अरे यार इसलिए कह रहा था मैं बग्गी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखा ना आपने कितना कंट्रोलिंग कितनी खराब हो गई यार इसकी, जंप करते एक। यार देख उधर है गाड़ी, किधर जा रही है, टर्न कर रहे हैं, मुड़ नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा इस बग्गी से। यार बग्गी चल जा यार, सीधी चल ले प्लीज। कुछ ज्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गई इस बग्गी के लिए यार, भाई साहब क्या यार बहुत गंदी रेस थी यार ये तो। 1 मिनट 25 सेकंड आए हैं, वो भी किस लिए, क्योंकि ये बग्गी बहुत खराब थी यार, बिल्कुल जम ही नहीं थी, पता नहीं इसके सस्पेंशन कितने खराब कर रखे यार इन्होंने अपग्रेड कर कर दिए। चलो कोई नहीं गाइस, 2 स्टार तो मिल गए अपने को। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मिशन देखते हैं हमें, 5900 मिलेंगे गाइस।
ओके तो गाइस व्हील स्पिन है गाइस, सब लोग कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, तो हमें कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा जल्दी जल्दी जल्दी। यार आप लोग कर नहीं रहे हो यार, देख रहे हो क्या टी शर्ट्स वगैरह मिल रही है यार, रुपए मिलने चाहिए थे, गाड़ी मिलनी चाहिए थी, इसके ऊपर सुबारू थी STI। चलो गाइस एक और मिशन करते हैं यहीं पर ही अपना, देखते हैं सेकंड कौन सा कराते हैं, ऑफ रोडिंग ही कराएंगे ये लग रहा है मेरे को। अभी व्हीकल अच्छा होना चाहिए यार, वो बग्गी ना बहुत खराब बग्गी थी। ओ माय गॉड गाइस ये तो लैम्बो लैम्बोर्गिनी भाई साहब। नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सबॉक्स एंड पीसी, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्स्ट्रैड एंड एप्पल अटारी। गाइस ये लैम्बोर्गिनी का नाम देखना पड़ेगा यार, ये तो तगड़ी गाड़ी है यार। इट्स टाइम फॉर नंबर 8 द कुंटाश एंड अ स्पीड ट्रैप, लेट्स रेस लाइक इट्स 1987। ओके गाइस 1987 लैम्बोर्गिनी कॉन्टेस है ये भाई साहब। लैम्बोर्गिनी कॉन्टेस कैसी थी यार पहले, लैम्बोर्गिनी कैसे गाड़ी बनाई थी, बिल्कुल चौकोर चौकोर सी थी बिल्कुल ना। इसका पिकअप यार उस टाइम भी सही था, देख रहे हो तीसरे गियर में 180 जा रही है भाई साहब। हाँ वो एक्सेलेरेशन मान लिया इसका कम है, लेकिन भाई साहब इसका गियरिंग मतलब जो कितना लेट गियर लगता है इसका, RPM पूरी कितनी जाती है 8000 तक RPM जाती है भाई साहब। Choosing the car for this one was so hard, but I have to love the Countach. Those angles, that paint job. हाँ भाई Countach चौकोर गाड़ी है, समझ गए हम भी। रेयर कार ही होती है यार। सॉरी गाइस एक बार रिवाइंड करेंगे यार, रिवाइंड ज़्यादा कर रहे हैं यार हम लोग, अभी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, रिवाइंड कम करें ताकि हम लोग रिवाइंड करके ना चीटिंग हो जाती है यार रिवाइंड एक तरह से। 209 किलोमीटर 210 यार नहीं। If I'm wrong about it being the first cross platform racing game, let me know in the comments. Wow, that is beautiful. 209 से तो ऊपर थे, 219 था यार, लेकिन यार स्टार किसने मिले, 223 थे अपने, 223 किलोमीटर पर आवर। इसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं आ रही, नहीं एक स्टार ही मिल पाया यार, बैड यार। इसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम है ना, बहुत लेट ही अपना पिकअप बनाती है यार, स्पीड इसकी जो है ना बहुत ख़राब है यार, इतनी अच्छी नहीं है गाड़ी ये, दिखने में ठीक ठाक सी है, दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं है ज़्यादा। चलो कोई नहीं भाई, मिशन्स हो गए कंप्लीट अपने। ओके गाइस तो हमारी लास्ट वाली रेस लैम्बोर्गिनी वाली काफ़ी अच्छी रही हमारी, देखते हैं नेक्स्ट रेस कौन सी देते हैं हमें। ऑफ रोडिंग नहीं होनी चाहिए यार, वो बग्गी कितनी ख़राब बग्गी थी यार बताओ, वो फर्स्ट रेस जो हमने करी थी बग्गी से ऐसे वो चल रही थी। लैंसर फरारी गाइस, यार फरारी और लैम्बोर्गिनी चीटिंग तो नहीं कर रहे थे आपस में, एक दूसरे की कॉपी कर रहे थे। ये भी देखो बिल्कुल स्क्वायर है और उसकी तरह लुक है थोड़ा फरारी का भी, इसका भी। No big surprise. It's Project Gotham Racing and the Ferrari 355 Berlinara. Ferrari 355 Berlinara क्या नाम है यार इसका, थोड़ा नाम किसी को बताओ तो यार कमेंट में बताना, शायद Berlinara ही बोला था इसने, क्या बोला था। चलो गाइस तो 6 मिनट में हमें 12 किलोमीटर, भाई साहब क्या करवाना चाह रहे हो तुम लोग हैं, 6 मिनट में 12 किलोमीटर ऐसे उड़वाना चाहते हो हवा में गाड़ी को, लेकिन फरारी है तो उड़ भी सकती है भाई, जैसे लैम्बोर्गिनी को हमने उड़ाया था ना, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है उससे लैम्बोर्गिनी से ज़्यादा है यार फरारी का, देख रहे हो। और ड्रिफ्ट भी मस्त लग रही है इससे, क्योंकि वो ना ऑल व्हील ड्राइव थी लैम्बोर्गिनी और ये रियर व्हील ड्राइव है फरारी, लेकिन पता है रियर व्हील ड्राइव होते भी फरारी की जो हैंडलिंग है ना भाई बहुत मस्त है यार, ग्रिप बड़ी तगड़ी बना रही यार फरारी रोड के ऊपर। ओ नो मैन, ड्रिफ्ट करने के चक्कर में यार गाड़ी ज्यादा मिल गई यार, टाइम वेस्ट हो गया। चलो कोई नहीं, आप भगा देंगे फरारी को, टेंशन ना लो, ऐसे ही भगाएंगे फरारी, किसी ने सोची ना होगी। चलो गाइस, अरे तेरी तो ठुक गई गाइस, आपसे ना रिवाइंड नहीं करेंगे हम लोग, रिवाइंड करने एक तरह से चीटिंग ही है भाई, तो रेसिस करेंगे कुछ भी करेंगे ना रिवाइंड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम चीटिंग नहीं करते भाई, हम प्रॉपर गेम खेलते हैं। आपसे अगर लेट होंगे सेकंड या थर्ड नंबर पर भी आएंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। कहीं से तो वही रास्ता आ गया, 140 स्पीड राउंड हो गई यहाँ तो अपनी। यार ये वाला टर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये रेसिस में भी करता हूँ घूम जाता हूँ, लेकिन इससे तो सही रहा, ठुका नहीं। स्पीड भले ही थोड़ी अपनी कम हो गई है, 2 मिनट हो गए गाइस और 8 किलोमीटर बचा हुआ है। भाई साहब भगानी पड़ेगी यार बहुत तेज। इसमें नाइट्रो होना था यार, नाइट्रो का ऑप्शन होना था, नाइट्रो लगाते हुए हैं। सब 7 किलोमीटर 2.21। चलो जल्दी 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 भगा देंगे फरारी को। चलो सही है, ग्रिप सही बन रही है यार इसकी फरारी की, देख रहे हो ग्रिप कितनी तगड़ी है। और इसकी लाइट मेरे को ऐसे क्यों लग रही है यार उसके जैसी है, ये निसान GTR जैसे R34 है ना, निसान GTR R34 उसके जैसे लाइट है इसकी, पीछे से गोल गोल बिल्कुल सेम उसकी लाइट है। पता नहीं कौन सी कॉपी कर रहे थे क्या पहले सब लोग, इसकी जो आउटर बॉडी है वो लैम्बोर्गिनी जैसी है, लैम्बोर्गिनी ने इसकी कॉपी करी है, लाइट इसकी उसके जैसी है, निसान GTR जैसी है। लोगो लोगो लगा दिया आपने, चल कोई नहीं भाई। वैसे भी फरारी और लैम्बोर्गिनी की थोड़ी बहुत चलती रहती है लड़ाई वड़ाई आपस में। चलो पहुंच जाएंगे गाइस, 3 मिनट है अभी, फटाफट पहुंचाते हैं। 3 किलोमीटर बचा हुआ अपने पास, 3.5 किलोमीटर के आसपास। टॉप स्पीड चेक हो जाएगी, 270 ही है क्या टॉप स्पीड इसकी। चलो भाई सही है यार, ये रास्ता हाईवे वाला होना चाहिए यार। हम वहाँ आ गए गाइस, दोबारा से सिटी के अंदर आ गए हैं। साइड से निकालती सही रहा, उधर से निकालते टूट जाती गाड़ी। सिटी के अंदर आ चुके गाइस, सिटी के अंदर ट्रैफिक रहेगा थोड़ा सा, तो ध्यान से चलानी पड़ेगी। ओके हाँ सिटी तो अच्छी है यार कुछ कहो। अरे ओ पागल के बच्चे, पर इसकी गलती नहीं यार, इसकी लेन में तो हम चल रहे थे। 4 मिनट हो गए गाइस, 4 मिनट 11 सेकंड पहुंच गए यार, 4 मिनट के अंदर अंदर ही पहुंचा दी फरारी। भाई साहब क्या मस्त भग रही यार फरारी यार, 300 मीटर था बस। चलो गाइस पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन आगे से ठोक दी यार पूरी फरारी, देखिए देखो कैसी हो गई, बिल्कुल पेंट वेंट उतर गया इसका यार। ओके गाइस आज के लिए काफ़ी हो गया, अपने घर पे चलते हैं आराम करते हैं। अपना घर यहाँ से है 4 किलोमीटर दूर। चलो गाइस तो पहुँच जाएंगे फटाफट, वैसे ऑफ रोडिंग वाला रास्ता ख़त्म हो रहा है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कोनी जैक बंद हो जाएगी बिल्कुल, ऐसे पहुँचाएंगे ना गाड़ी को, सब देखते रह जाएंगे, ऐसे लगेगा जैसे हवा में उड़ रही है गाड़ी, रोड पर तो चली नहीं रही। हैंडलिंग भाई सही में बहुत मस्त हो गया यार इसकी। मिट्टी मिट्टी लग गई यार गाड़ी में, धूल मिट्टी देख कितनी लगी, गंदी होगी गाड़ी यार, कहाँ ऑफ रोडिंग कराइए इससे, बुलवानी और पड़ेगी अभी हमें। चलो क्या पता हवा से उड़ जाए धूल मिट्टी। हाँ 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 गाइस लग तो रहा है उड़ी है कुछ धूल मिट्टी, उड़ी तो है कुछ धूल मिट्टी भाई, मानना तो पड़ेगा गाड़ी की टॉप स्पीड की वजह से, पता धूल मिट्टी भी उड़ जा रही है गाड़ी। बताना गाइस कैसे चला रहे हैं हम लोग, एक नंबर चला रहे होंगे हैं। 300 मीटर बचा है बस, पहुँचेगा जब अपने घर पर। ले भाई दीवार और तोड़ दी अपने घर के सामने वाली जगह की। ओके गाइस तो हम लोग पहुँच चुके अपने घर पर, धूल मिट्टी तो उड़ गई, आगे स्क्रैच आ गया पर एक, ओ स्क्रैच नहीं आए गाइस, बच गए गाड़ी बच गई।
ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारी गेम प्ले वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको आज गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नया वीडियो है, और याद से बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो का। बाय बाय गाइस, कल फिर से मिलते हैं एक और गेम प्ले वीडियो के साथ।